If you don't have money, you can't taste sweet. The sweet of life. अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपने घरों में बिल्कुल मजे में होंगे। तो अभी जी सुबह सुबह का टाइम है, 8 बजे मैं उठ गया हूँ, तकरीबन दो तीन मिनट ऊपर हो गए हैं और अभी है क्लास का टाइम। तो सुबह सुबह वैसे उठना तो होता नहीं, क्योंकि सहरी के बाद जब हम सोते हैं तो फिर 1-2 बजे उठते हैं नमाज के लिए, फिर हम नहीं उठते। लेकिन अभी उठना पड़ा है क्योंकि क्लास है, तो क्लास के लिए उठना पड़ा। और अभी हम जाते हैं जी, रेडी शेडी हो गए, बस जूते पहन के निकलते हैं, फिलहाल क्लास पहुँचते हैं, लेट हो रहे हैं। चलो यार, ये लैब हम पहुंच गए हैं यार, काफ़ी दूर है, बाइक पे आना पड़ता है कसम से। बाइक पे ना हो तो 10-15 मिनट लग जाते हैं पैदल। तो अभी हम पहुंच चुके हैं, टाइम काफ़ी ऊपर हो गया क्योंकि मैंने खुई को भी उठाया है, तो इसमें भी टाइम लग गया। तो अभी पहुंचते हैं फिलहाल लैब में, क्या सीन है। हमारे साथ प्रैंक हो चुका है, कोई कौन सा प्रैंक हो चुका है हमारे साथ, गलत प्रैंक हो चुका है। दोबारा 30 मिनट वेट। बता तो सही, हुआ क्या है? हुआ ये है, 6 और 7 ट्यूब में हमने वो नहीं डाले थे, दो केमिकल नहीं डाले थे, लेकिन हमने सारा हमने उसमें बना दिया। हाँ, अब उसको दोबारा चेंज करके दोबारा से करना पड़ेगा, आधा घंटा दोबारा लगेगा। जवाद भाई बड़ी मेहनत से लगे हुए हैं, हाय मेहनत हुई जा रही है। Not expensive, but it's just a random saying that if you don't have money then you can't buy honey. It's a random saying. No money? No money. It means if the person if you don't have money you can't taste sweet, the sweet of life. यार 3 घंटे की लैब के बाद, 4 घंटे की लैब के बाद फाइनली हम फ्री हो चुके हैं। और अब हम किधर जा रहे हैं? अब हम रेस्ट करने जा रहे हैं डॉम, और फिर देखते हैं उसके बाद। 2 क्लासेज रह गई, एक चाइनीज की है और एक एथलेटिक्स की है। एनाटॉमी वाली तो वो लेगा ही नहीं ना, आपको पता ही है, वो तो कैंसिल ही हो जानी है। तो हमारी 2 क्लासेज हैं अब, 5:20 तक इफ्तार से पहले पहले ख़त्म हो जाएगी। तो अभी हम फिलहाल जा रहे हैं डॉम जी, बड़ा जलील कराया आज लौजी ने, एंड पे बिल्कुल एंड पे हमने जो है अपना वो काम पूरा किया है। तो अभी हम लास्ट में हम निकल रहे हैं, लास्ट में हम निकल रहे हैं। अभी हम पहुँचते हैं डॉम, रेस्ट करते हैं और फिर मिलते हैं। चुके हैं अभी, थोड़ी सी रेस्ट करते हैं, बाइक को चार्ज वगैरह पे लगा लिया है, अब थोड़ी सी रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद अब लैब तो जाना नहीं है अभी, यहाँ यही पे क्लास है, मतलब सामने डॉम के सामने। तो अभी थोड़ी बहुत रेस्ट करते हैं, अगर नींद आई तो अभी हमारे पास है तकरीबन 2 घंटे, 2 घंटे बाद क्लास है, तो 2 घंटे बाद फिर क्लास पर पहुँचते हैं। अभी फिलहाल रेस्ट करते हैं तो बाद में मिलते हैं। सर मैं सोया हुआ था जी, क्लास लेने के बाद मैं जैसे ही डॉम आया मैं सो गया था,
इस बंदे ने मुझे अभी उठाया क्लास के लिए कि अगली क्लास है, तो अभी हम जा रहे हैं अगली क्लास लेने। जलालत है जी, थोड़ी थोड़ी प्यास भी लग रही है, रोज़ा हमें लग रहा है। अभी हो रहा है टाइम 1:30 हो रहे होंगे, तो अभी हम फ़िलहाल क्लास पहुंचते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है, रोज़ा हमारा अच्छा जाता है या कैसा जाता है, बुरा जाता है। मुझे तो लग रहा है कि बहुत बुरा जाएगा, बहुत प्यास लगी हुई है अभी से। क्लासेस के बाद छांगलाउशी की एक और क्लास है, और वो क्लास भी 5:30 बजे तक क्लासेस हैं, तो इंशाल्लाह लेंगे अगर हिम्मत हुई तो। जी सारा दिन हमने क्लासें ले ली, थक गए बिल्कुल, और जो हमारा रोज़ा था वो भी बेहतरीन तरीके से गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह से। प्यास बहुत लगी हुई थी लेकिन हमने रोज़ा पहुंचा दिया एंड तक, अल्हम्दुलिल्लाह से पहुंच गया रोज़ा। अभी हम जा रहे हैं जिम, और हमारे साथ नया लड़का है दाऊद, वो बाइक से गिरा रहा है, इसको हम लेके जा रहे हैं जिम। इसने जिम नहीं लगानी, बस आज चक्कर लगा रहे हैं। इनका भी सही सीन है, एक दिन असदुल्ला जाता है, दूसरे दिन वो छुट्टी कर लेते हैं, एक दिन एक जाता है, दूसरा दिन दूसरे छुट्टी कर लेते हैं, इस तरह से सीन होता है। तो आज असदुल्ला नहीं है, तो उसकी जगह हम इसको लेके जा रहे हैं। तो अभी हम पहुँच रहे हैं जिम, जिम शिम लगा के फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे। बाय बाय। सर मेरे व्लॉग के नीचे ना काफ़ी कमेंट आते हैं, जिम के ऊपर वीडियो बनाओ, जिम की फ़ीस के ऊपर वीडियो बनाओ, तो आप उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो तो नहीं बन सकती, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर चाइना में आप जिम करने के शौकीन हैं ना, तो चियन साथ लेके आए। चियन किसको कहते हैं बताओ? पैसों को कहते हैं, चाइनीज में चियन पैसों को कहते हैं। तो आप ना चियन साथ लेके आओ, इधर बड़े पैसा पैसा इधर बड़े पैसे लगते हैं जिम पे हैवी। बस इतना मैं आपको बता दूं कि पैसे ज्यादा लगते हैं, पाकिस्तान से डबल लगते हैं जिम की फीस पे। तो अब इस पे प्रॉपर वीडियो तो नहीं बन सकती, लेकिन बस इतना ही मैं बता सकता हूँ कि पैसे ज्यादा लगते हैं, तो पैसे लेके आना अगर जिम के शौकीन हो तो। हाँ तो खुई भाई, गेम का मजा आया? इतना मजा नहीं आया, रस नहीं आया, पता नहीं अफ्तारी में कुछ खाया नहीं था, पता नहीं हमने अफ्तारी की ही नहीं थी, हमने अफ्तारी की ही नहीं थी, कुछ खाया ही नहीं था, तो हमारे हमसे गेम क्या लगेगी, जिम क्या होगी। ये भाई देखने आए थे। हेलो भाई, क्या देखने आए थे आप? अभी थक हार के हम जा रहे हैं जी डोम, अभी रेस्ट वेस्ट करेंगे, नींद पूरी करेंगे। नींद पूरी होती नहीं है बस, क्योंकि इतनी ज़्यादा क्लासें होती हैं, तो अभी पहुंच के हम रेस्ट करेंगे, नींद पूरी करेंगे, फिर सहरी के टाइम उठेंगे। तो इस व्लॉग को यहाँ पे मैं एंड कर रही हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। कब मिलते हैं? अगले व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। सब्सक्राइब टू दस करोड़।